रोड ही नहीं है कोई, एकदम कीचड़ से भरा हुआ है। यह है एक्सट्रीम ऑफ रोड। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, इसीलिए जहाँ से गाड़ी गया उसका ऊपर से जाना हुआ। ओह माय गॉड, कितना दूर तक है। ओह माय गॉड, याहू। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग सिलचर से निकल रहे हैं और अभी टाइम जो हो रहा है वो 8 बज रहा है। तो हम लोग 6:30 बजे उठे थे, देन चलो अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं कुछ छूटा नहीं तो ना, सब ठीक है। तो ये भाई काफ़ी हम लोगों को हेल्प किया, कल रात से हेल्प कर रहा है। और ये जो है ये सिलचर में जेल रोड पे हम लोग रुके थे, तो ये जो आप देख रहे हैं ये जेल है। तुम्हारा नाम क्या है? राजीव दास। राजीव दास, ये काफी अच्छा लड़का है, हम लोगों को काफी हेल्प किया। अनुदा, तो मैंने सुबह गाड़ी वार्म अप कर लिया था और मेरा फिर से डिपर काम करना बंद कर दिया। क्या प्रॉब्लम है ना, आपको मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है? ये देखो अपर जला हुआ है, डिपर का स्विच है। मैंने ये जो पूरा सर्किट है इसको मैंने नया लगाया, तब भी यही प्रॉब्लम। देखो अप करता हूँ तब भी वही दिखाता है। चलो क्या प्रॉब्लम है भाई, और टूटेगा नहीं तो? ओ तो चलो फिर चलते। तो आपको मैं इस होटल के बारे में एक चीज बता देता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है तो। हाँ, तो ये जो होटल है कल ही ओपनिंग हुआ और वो के साथ फोपाट भी काली हुआ। तभी 8 बज रहा है, इसीलिए ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा। कैसे घुमा देता है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इन लोगों का और एक खाने का होटल है, वहाँ पे हम लोग कल खाने के लिए गए थे। इधर है, इधर ये यहाँ पे है शायोन होटल। जिरीबाम बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग मणिपुर में आज एंटर करेंगे और सुबह का ब्रेकफास्ट पहले कर लेते हैं। चलिए शिलीगुड़ी गले देखा करवा, किंतु ठीक है। ये मेरा दोस्त है, इसका जो हम लोग दोनों का जो दोस्ती का कहानी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। काफी हम लोगों को हेल्प किया। और अभी हम लोग कहाँ पे है, ये फुलोरतोंग में है जो हो रहा है वो 10:12। तो चिटी बम में जाके हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है। तो अभी कोई टेंशन नहीं है, मतलब जितना भी डर था वो सब चला गया, क्योंकि इसका घर मणिपुर में भी है, मोड़े में भी है, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। और वहाँ पे होटल भी हम लोगों ने बुक कर दिया, यही बुक कर दिया, तो वहाँ पे एक आत्मा आदमी भी हो गया। तो चलो फिर अभी चलते हैं, अभी रोड पे इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने असम क्रॉस करके मणिपुर में एंटर कर लिए और हम लोगों का ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किया। तो हम लोगों को बोला कहाँ से आ रहे हो, वेस्ट बंगाल, तो बोला ठीक है चला जाओ, कोई बात नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और हम लोगों को अभी फ्यूल भी डलाना है, वेदर तो काफ़ी अच्छा है, भगवान को यही बोलता हूँ वेदर ऐसे अच्छा रहने दो। तो कितना जल्दी हम लोग मतलब इम्फाल पहुँच सकते हैं उतना अच्छा है हम लोगों के लिए। और रोड जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है,
तो यहाँ से इम्फाल का डिस्टेंस है आपका 220 किलोमीटर, और अभी टाइम जो हो रहा है शायद 11 बज रहा होगा, क्योंकि 10:10 को हम लोग निकले थे। यहाँ पे जो लीटर है 71.06, वहाँ पे था 73 है शायद। पेट्रोल तो है, कितना है पता नहीं, खाली डालना है फुल। बंद हो रहा है क्या? देते रहिए ना, देखिए ना कितना तक जाता है। अबे क्या हो गया इतना, थोड़ा धीरे दीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आईडी कार्ड चेक किया, ये लोग ऑनलाइन। तो आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड हमेशा ऊपर रखना, नहीं तो मेरा जैसा हालत हो जाएगा, मतलब एकदम ख़राब। क्योंकि मेरा लगेज का अंदर था, ये खोला बाहर निकाला, ये करते करते ओ माय गॉड। पानी पीना ज़रूरी है, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगा। क्या रोड है बे, अभी अच्छा रोड मिला, चलो आगे कहीं जाके मिलते। एकदम कीचड़ से भरा हुआ है। ये है एक्सट्रीम
ऑफ रोड यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, इसीलिए जहाँ से गाड़ी गया उसका ऊपर से जाना होगा। ओह माय गॉड कितना दूर तक है। ओह माय गॉड याहू गम्बूट पहन के आया इसीलिए ठीक हुआ, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाता। इसमें पत्थर नीचे है, हालत हो गया खराब। साइड से हम आगे चला जाते, अरे इम्फाल 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 सीधा। हाँ, रुकना होगा क्योंकि ब्रिज उतना सही नहीं है, हालत हो गया खराब धूप से। तो थोड़ा देर पहले ठंडा भी था और अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो गया। ब्रिज भी उतना सही नहीं है, काट का है लोहा का है सब कुछ मिक्स्ड है। कितना किलोमीटर बाइक चला लिया वो भी याद नहीं है, और नोबदा पीछे है इम्फाल एरिया से 145 किलोमीटर। अनु तक ले थोड़ा सा वेट करता हूँ। लंच है वो कर लिया और अभी टाइम हो रहा है 2:40। हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं किए, तो यहाँ से 60 किलोमीटर बाद रोड कंडीशन हम लोगों को अच्छा मिलेगा। पहले जो रोड हम लोग क्रॉस करके आए ऑफ रोड उस टाइप का रोड नहीं है, थोड़ा थोड़ा जगह पे तो ख़राब होगा ही। चलो देखते कितना बजे तक हम लोग इम्फाल पहुँचते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने चाय ब्रेक लिया था, ये बाजार का नाम है लॉन्ग माई बाजार।
डेढ़ घंटा ना। हाँ ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा, रोड कंडीशन अच्छा होने से तो कोई बात नहीं। उसके बाद एकदम रास्ता ठीक है। चलते भैया। तो यहाँ पे थोड़ा सा चाय ब्रेक लिए थे हम लोग, और ये अंकल सब काफ़ी अच्छा है। यहाँ से भी हम लोगों को 2 घंटे जैसे लग जाएगा, क्योंकि 65 किलोमीटर है, पहाड़ का रोड है, और शायद आज 10 से 15 मिनट बाद अंधेरा भी हो जाएगा। अभी तक मेरा गाड़ी 1376 किलोमीटर चल गया, और सामने रास्ता काफ़ी ख़राब था, तो चलो फिर आगे चलते हैं। लॉन्ग माई पुलिस। यहाँ से कोई टेंशन नहीं है, सबको यही बोल रहा है, मेरा दोस्त को भी मैंने फ़ोन लगाया। सामने थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर जैसा रोड ख़राब है, देन उसके बाद सब एकदम सही है। ओह व्हाट ए व्यू। मतलब इम्फाल यहाँ से है आपका 29 किलोमीटर, और हम लोगों को अभी जो व्यू मिल रहा है आप देख सकते हैं, शायद गोप्रो में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, मुझे अच्छा से पता नहीं, तो आप व्यू देख सकते हैं, एकदम मस्त वाला व्यू है, एकदम अच्छा खासा व्यू है। आया सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँच गए इम्फाल, और अभी आपका टाइम जो हो रहा है वो 9:43, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे 7 बजे तक। नाइट में भी हम लोग मणिपुर में राइड किए 2 से 2.5 घंटा जैसा, तो काफ़ी अच्छा था राइड का। ये जो वीडियो है मतलब यहीं पे एंड कर दे, क्योंकि काफ़ी थका हूँ, तो खाना वाना खा के अब डायरेक्ट सो जाऊँगा, और कल का जो वीडियो है काफ़ी अच्छा है, देखना मिस मत करना। और आज का ये जो वीडियो है उसको यहीं पे एंड कर दे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। बाय।